और बता। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हट गया। डाइजेस्टिव। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम लोग न्यूट्रिशन पे बात करने वाले थे ना। अच्छा, हाँ, अच्छा चलो, डाइजेस्टिव हट गया, और बताओ बचा कौन, जो बचा बताओ। सर बचा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक न्यूट्रिशन, है, स्केलेटन हाँ, एंड स्किन और अच्छा रेस्पिरेटरी अच्छा सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन वाला। यस सर। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दे क्या, प्लांट का भी है तो एनिमल का हो जाएगा। बताओ कौन सा तुम लोग को पढ़ना है, बताओ। बोलो, सब कोई बोलो, जो रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो चलो, तब तो बहुत ही मिलता जुलता ही टॉपिक है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले हम लोग आज समझते हैं, उसके बाद में नोट्स किया जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन समझ गए कि क्या होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में फूड को ऑक्सीडेशन कराना है, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े, सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए, जो प्रोसेस होता है वगैरह। लेकिन जब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया है क्योंकि क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है मेनली। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एटमोस्फेयर में है, और एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाता है, वहां पे एक्सचेंजिंग का काम करता है, ब्लड में O2 जाता है और CO2 आता है। तो इस सिस्टम को, क्योंकि फूड को ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए एंजाइम प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन भी चाहिए। अब ऑक्सीजन जो फुलफिल होगा उसके लिए जो हमारे बॉडी में सिस्टम है, आई मीन ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग में सिस्टम जो है उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कंसिस्ट करता है, आई मीन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, या फिर हम बोलते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन को हम लोग पहुंचाते हैं। ठीक है, जिसके जिसके बाद वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली सेल में जाता है और फूड को ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा चीज है, ऑक्सीजन कैसे हम लोग के बॉडी में जाएगा। अगर ऑक्सीजन जा रहा है, उसके जो सिस्टम काम करता है उसी सिस्टम को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे फर्स्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कंसिस्ट करता है वो किस किस पार्ट से कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहला, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक सेकंड, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हम क्या बताएं, एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, हम लोग के बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक मैकेनिज्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो है पार्ट समझ लेंगे कि किस 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 से पार्ट से बना है। सबसे फर्स्ट में इसका जो पहला पार्ट है वो होता है नॉस्ट्रिल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं नोज। पहला पार्ट है नोज, उसमें आ जाता है नॉस्ट्रिल। ठीक है, उसी में है हमारा नेजल कैविटी। ठीक है, और नेजल कैविटी में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या होता है। दूसरा पार्ट है फैरिंग्स, सॉरी दूसरा है लैरिंग्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा हो जाता है ट्राकिया। क्या हो जाता है, ट्राकिया। उसके बाद चौथा हो जाएगा लंग्स। क्या हो जाएगा, लंग्स। ये मेन है, तो हम लोग का जो मेन होता है वो है लंग्स। क्या है, लंग्स। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग नॉस्ट्रिल की बात करते हैं, नॉस्ट्रिल एंड नोज। सबसे पहले नोज। ठीक है, तो नोज जो है हमारे माउथ के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है। नोज का जो पहला पार्ट हम लिखे हैं नॉस्ट्रिल, वो जो एंटीरियरली मतलब हम बोल सकते हैं बाहर की तरफ जो दो ओपनिंग है, दो होल है, जो दो छोटा सा होल है उसको हम लोग बोलते हैं टू ओपनिंग।
टू ओपनिंग, ठीक है, ये जो बाहर की तरफ ओपनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। उसके बाद नॉस्ट्रिल के बाद अंदर जब जाएंगे तो हम लोग का नेजल कैविटी होगा। नेजल कैविटी में तीन चार चीज वहां प्रेजेंट होता है। सबसे फर्स्ट में बोलते हैं इपिथीलियल, इपिथीलियल वहां पे टिश्यू या फिर लेयर होता है। इपिथीलियल, इपिथीलियल टिश्यू, ठीक है, और वहीं पे होता है नोज हेयर, ठीक है। इसको समझना क्या होता है, जब नेजल कैविटी जब होल से जब ऊपर जाते हैं तो एक स्पेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। उसमें जो है इपिथीलियल टिश्यू है, ठीक है, मतलब एक लेयर जो है वो इपिथीलियल लेयर वहां प्रेजेंट होता है जिसको इपिथीलियल टिश्यू बोलते हैं। ये रिलीज करता है म्यूकस, क्या रिलीज करेगा, म्यूकस, ठीक है। अब ये म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस का फिर दो काम है। पहला काम होता है न्यूट्रलाइज द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, और दूसरा एयर कंडीशनर। हम इसका एयर कंडीशनर नाम क्यों दिए ये हम बता देते हैं, ठीक है। देखो, न्यूट्रलाइज द माइक्रोब प्रेजेंट इन एयर मतलब कि जब हम लोग एयर लेते हैं तो ओपन एटमोस्फेयर में, ओपन एटमोस्फेयर में जो है वो उसमें बहुत सारा माइक्रोब्स होता है, तो जब एयर के थ्रू जब अंदर जाएगा तो उसमें जो माइक्रोब्स होता है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, कौन, म्यूकस, क्योंकि नेजल कैविटी में इपिथीलियल का एक लेयर प्रेजेंट है जो कि ये काम करता है। दूसरा काम है एयर कंडीशनर क्यों लिखे, तो गर्मी के टाइम में, गर्मी का टाइम जब हॉट एयर हमारे नोज से जाता है तो वो हॉट एयर को ठंडा करने का काम करता है, क्योंकि अगर गर्म हवा अंदर चला गया ना तो हो सकता है वो डैमेज कर सकता है लेयर वगैरह को। कभी कभी देखना गर्मी के मौसम में किसी किसी के नाक से खून भी जाता है, तो एक तो वो अलग उसका रीजन है, लेकिन ज्यादा गर्म अगर चला जाएगा तो टिश्यू वगैरह जो लेयर वगैरह है वो ब्रेक कर सकता है, जल सकता है, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वहां पे हम लोग को देखना है कि जो एयर कंडीशनर है, ठीक है, एयर कंडीशनर का काम कहने का मतलब कि जो हॉट एयर है उसको कोल्ड डाउन या फिर कोल्ड एयर में कन्वर्ट करता है, मतलब गर्म को वो ठंडा करके वो अंदर लेके जाता है, ठीक है। नोज एयर ये जो है ये फिल्टर, फिल्टर द एयर, ठीक है, फिल्टर द एयर फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रोब्स, ठीक है। देखो नोज हेयर का काम होता है जब एयर अंदर जाएगा तो उसमें बहुत सारा डस्ट होगा, तो बहुत सारा माइक्रोब्स जो होता है वो उस हेयर के पास आके वो वहां पे ट्रैप कर जाएगा। दूसरा क्या है कि मेन काम होता है जो डस्ट है उससे उसको फिल्टर आउट करता है, तो नोज हेयर का वही काम है कि मतलब डस्ट को अंदर आने नहीं देगा वो एयर के साथ, ठीक है, ये चीज। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स, तो लैरिंग्स को बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं लैरिंग्स को, एक सेकेंड, पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग लैरिंग्स से स्टार्ट करेंगे। नोट करो जल्दी से, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना।
हो गया सर, हो गया यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो है लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले फैरिंग्स समझ लो क्या होता है। देखो फैरिंग्स हम लोग हम इसमें नहीं लिखे हैं, बट वो डाइजेशन का पार्ट बोलते हैं उसको। फैरिंग्स जो है ये कॉमन से एयर भी पास होगा, वहां से फूड भी पास होगा। सपोज मान लिया जाए कि ये एक ट्यूब है जिसको हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस। कनेक्ट है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोले? विंड पाइप। विंड पाइप मतलब इससे एयर जाएगा, जो कि हम लोग को इसमें पढ़ना है। और ओसोफेगस हम क्या बताएं कि फूड पाइप। क्या बताएं? फूड पाइप। समझना यहां से, ध्यान से। जब जैसे मान लो ये पार्ट है, तो इस जगह का जो कॉमन जंक्शन है, इस जगह का कॉमन जंक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं फैरिंग्स। क्या बोलते हैं? फैरिंग्स। मतलब बोलते हैं ना एक तरह का बोलते हैं चौरा चौक है, एक यहां से जा सकते हो क्या, उसी तरह इस तरह का एक तरह का जंक्शन है, एक तरह का मतलब समझ रहे होगा कि उस पार्ट से उस रास्ते से फूड भी जाता है और विंड भी जाता है। ठीक है, कॉमन प्रोसेस ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों वहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं फैरिंग्स। ठीक है, अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे लैरिंग्स। ठीक फैरिंग्स से नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो है वो दो पार्ट से कंसिस्ट करता है, एक को बोलते हैं ग्लॉटिस और दूसरे को बोलते हैं epiglottis। लैरिंग्स का मतलब है वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ग्लॉटिस जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है और इस तरह का फ्लैपिंग है, तो ये हो गया ग्लॉटिस और ये हो गया epiglottis। अब epiglottis एंड ग्लॉटिस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो ध्यान देना, यहीं पे तुमको बता देते हैं क्योंकि इसी का काम है। इस तरह का फ्लैप प्रेजेंट है, इस तरह का क्या है? फ्लैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही फूड आएगा तो ये जो फ्लैपिंग है ये वाले पार्ट को क्लोज कर देता है, मतलब ट्रैकिया वाले पार्ट को क्लोज कर देता है ताकि उसमें फूड नहीं जाए। क्योंकि अगर ट्रैकिया या विंड पाइप पे फूड चला गया तो फिर दिक्कत है। हम लोग सरकते हैं ना, तो अगर कोई भी पार्ट इस जगह पे आ जाता है तो हम लोग सरक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे एयर, और अगर उसमें चला गया फूड तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जो epiglottis होता है इसका काम है हम यहां लिख देते हैं चेक एंट्री ऑफ फूड एंड विंड, या फिर एयर। हम लोग फूड एंड एयर लिखते हैं, विंड नहीं, एयर, ऐसा करता है। ठीक है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैरिंग्स जो है ये इस तरह का कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, ये इस तरह का कॉर्ड में होता है। ये हो गया वोकल कॉर्ड। क्या हो गया? वोकल कॉर्ड। तो जब इस कॉर्ड के बीचों बीच एक स्पेस रहता है, और उस स्पेस में जब एयर अंदर जाता है और एयर जाता है वो वहां पे वाइब्रेट करता है और वही साउंड के फॉर्म में हम लोग को सुनाई देता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि और उसी जगह एडम्स एप्पल भी होता है। एडम्स एप्पल हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन मेल जब वो प्यूबर्टल स्टेज में चला जाएगा वो आउटग्रोथ, एक बोन आउटग्रोथ हो जाता है जिसको हम लोग एडम्स एप्पल का नाम दिए हैं। वो लैरिंग बोले दो कॉर्ड है, कॉर्ड के पीछे ऐसा ये है। ठीक है, यही है तुम्हारा फैरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, ये किस पार्ट से बना है, ये तुम्हारे सामने है, इसको एक बार नोट कर लो।
सर सर एपिग्लॉटिस समझा दिए ना। देखो एपिग्लॉटिस का मतलब एक तरह का फ्लैपिंग है, इस तरह का फ्लैपिंग करते रहेगा, ये फ्लैपिंग है ठीक है। सपोज दैट ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये हमारा फूड पाइप है और ये हमारा विंड पाइप है। तो मतलब ये इस चीज को फ्लैप समझना। तो जैसे फूड आता है ना, तो एक फ्लैप जो है वो विंड पाइप या फिर ट्राकिया को क्लोज बंद कर देता है, और ये जैसे बंद करेगा तो ये फूड पाइप में चला जाएगा ठीक है। तो वही वो फूड पाइप में जाने का काम करता है, मतलब एक तरह का क्लोज करता है ट्रैकिया को इन द प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग, जब हम लोग खाना निगलते हैं उस टाइम पे ये ऐसा मैकेनिज्म था। क्योंकि अगर खाना फूड निगल लिए और वो निगल के ट्रैकिया वाले मतलब में चला गया, विंड पाइप में चला गया, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता मर भी जाए पर्सन ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि ओसोफेगस का काम क्या है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और ट्रैकिया इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एयर जहां से एयर जाना है वहां से एयर जाएगा, तो एयर से एंड फूड से एंट्री, फूड का एंट्री उस पे ना हो इसलिए वो एपिग्लॉटिस है जो उसको दबा कर उसको कवर अप कर देता है, कब, ड्यूरिंग स्वलोइंग। दूसरा चीज है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि एपिग्लॉटिस का काम है या फिर ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के अंदर अगर फूड चला गया तो फिर बताए ना कि मतलब एयर के जगह फूड चला गया तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा। एपिग्लॉटिस का काम होता है उसको फ्लैपिंग कवर अप करना। अतः एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें से कभी कभी तुम लोग को पूछा भी जा सकता है, बट एक नॉलेज रख लो। जब हम स्वलोइंग प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे हम लोग का जो नोज है या फिर एयर का जो जाने का मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाया तुम्हारे सामने? क्योंकि जब हम स्वलोइंग करते निकलते हैं वो एपिग्लॉटिस क्या होता है, वो ट्रैकिया वाले पाइप को बंद कर देता, तो एयर कहाँ से जाएगा। तो कभी कभी पूछता है कि खाना का निगलना और सांस लेना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब हम लोग खाना निगलते हैं मतलब स्वलोइंग करते हैं उस टाइम एपिग्लॉटिस विंड पाइप को, दोनों को, विंड पाइप को क्या करता है, बंद कर देता है ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो ये हमारा ब्लैक वाला विंड पाइप है, ये वाला फूड पाइप है, ये दोनों एक साथ इसी तरह इससे कनेक्ट होता है, हमेशा दोनों एक साथ ही रहता है कनेक्ट अंदर में, हमारा बॉडी के अंदर में ठीक है, इसीलिए ऐसा काम। समझ गया ठीक है? हाँ हाँ, सर इसको नोट कर लो, नोट कर लो। फिर हम लोग फिलैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया में आते हैं। फिर वो फूड के बाद क्या लिखा हुआ है? चेक एंट्री ऑफ फूड फूड एंड एंड एयर, अच्छा एयर एंड एयर, दिख रहा है ना, हम इधर इधर आ जाते हैं, इधर तो और नहीं है, ठीक है, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हो जाएगा तो बोलना ठीक, यस सर, ओके। हो गया सबका, हो गया, समझ गए? यस सर, हाँ समझ गया ना, इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछो। देखो मेनली तुमको लैरिंग्स ही समझना है, फैरिंग्स मेनली हम लोग न्यूट्रिशन डाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग समझते हैं, बट वो तो अब पढ़ना है नहीं, चलो कोई बात नहीं ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे लैरिंग्स के बाद जो अब मेन पार्ट है, ट्रैकिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ट्रैकिया ही एयर को सही से लंग्स तक लेके जाएगा। तो ट्रैकिया है क्या, समझना, एक लॉन्ग मस्कुलर नैरो ट्यूब है जो कि लैरिंग से कनेक्ट होते हुए
वो लंग्स में मिलता है, आई मीन लंग्स में फिर वो चला जाता है, ठीक है। लैरिंग्स जो है ये हम लोग इसको, सॉरी लैरिंग्स बार बार बोलते हैं, ट्रैकिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ट्रैकिया, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ट्रैकिया तो काम है कि भाई हमारा ये नेक पोर्शन से कनेक्ट होके वो आगे जाके लंग्स में बायफर्केट हो जाता है उसका ट्यूब, क्योंकि ट्रैकिया ही अल्टीमेटली बाद में एल्वियोलाई का टर्मिनल, सॉरी एल्वियोलाई होता है, और एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देना जो ट्रैकिया हम लिखे हैं, ठीक है, तो ट्रैकिया मैम क्या होता है, एक हॉलो ट्यूबुलर आई मीन स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। तो यहाँ पे चीज ध्यान देने वाला बात है कि जब हम लोग कुछ भी चीज, एयर को फोर्सफुली अंदर करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम लोगों को पढ़ना है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में यही देखना है कि एयर जो होता है वो कैसे अंदर जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इनहेल करते हैं, तो इनहेल जब करेंगे तो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाएगा और लंग्स में एलिवेल आइए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, जैसे हम बताए कि एक हॉलो ट्यूब है और उससे अगर कोई भी एयर फोर्सफुली पास करता है तो वो कोलैप्स होने का डर रहता है, क्योंकि दोनों तो मस्कुलर वाल है, ठीक है। अब मस्कुलर वाल है, कोलैप्स होने का डर रहेगा, तो कोलैप्स यहाँ क्यों नहीं हो पाता है, ये मेन क्वेश्चन है कि ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन इज अ इनटेकिंग ऑफ एयर, वो टू रीच एयर, हम लोग ऐसा बोलते हैं, वो टू रीच एयर। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे वो कोलैप्स क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाला बात है कि कोलैप्स जो क्यों नहीं करता, उसका एक रीजन है कि यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सी सेव्ड, इस तरह से, ये देखो ये कार्टिलेजनस रिंग है, ठीक है। हम लोग इसको बोलेंगे कार्टिलेजनस रिंग बोलते हैं इसको, और इसमें एक और वर्ड जोड़ रहे हैं हम, सी शेप्ड बोलते हैं इसको, सी शेप्ड। हम लोग सी शेप्ड आखिर क्यों बोले, ये भी बात है, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग होने के कारण ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या नहीं करता है, ये चीज है। देखो क्यों नहीं, देखो सी स्टेप क्यों बोले, सपोज दैट मान लो ये ट्रैकिया है, इस ये चारों, ये इसके चारों बगल ऑल अराउंड जो है ये एक तरह का सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो कार्टिलेजनस का रिंग होगा ये आधा ही प्रेजेंट होगा, पूरा कवर अप नहीं होता है। तो सोचो एक ट्यूब है, उसको हम पूरा अगर कवर अप नहीं करेंगे और अगर आधा कवर अप करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, सी शेप का इस तरह करेंगे तब ना पूरा होगा, बट ऐसा नहीं है, वो आधा ही कवर अप है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग, मतलब ट्रैकिया में पूरी तरीके से कार्टिलेजनस रिंग का कवरिंग नहीं होता है, आधा ही होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग। अगर तुमसे पूछ दे कि ड्यूरिंग इनहेलेशन ट्रैकिया इज नॉट कोलैप्स्ड या डू नॉट कोलैप्स, क्यों, क्योंकि इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट है जिसको इनहेलेशन के टाइम पे वो कोलैप्स नहीं करता है। और तुम ये प्रैक्टिकली देख सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रॉक सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हार्ड अगर स्ट्रॉक हम करेंगे तो नहीं होगा, सॉफ्ट स्ट्रॉ होना चाहिए। तो सॉफ्ट जब स्ट्रॉ को जब हम जोर से खींचेंगे ना तो वो चिपक जाता है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ये वो हो गया तब तो फिर हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं होता है, उसी से कार्टिलेजनस रिंग, समझ गए। तो ट्रैकिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर नैरो ट्यूब, ठीक है, और इट इज कवर्ड बाय, लिख लो प्रोटेक्टेड बाय नहीं, कवर्ड बाय सी शेप्ड
cartilaginous ring. So you said cartilaginous ring. Due to she severed cartilaginous ring. Do not collapsed during. Do not collapsed during inhalation. Inhalation. समझ में आया? यही है तुम्हारा. सर. नोट कर. हाँ बोलो. सर. आप बोले कि सर वो सी से आधा कवर करता है तो गिरेगा नहीं सर, कोलैप्स नहीं होगा. कोलैप्स का मतलब था चिपकना. सॉरी सर, गिरना का मतलब हो गया, मतलब वहां से अटैच नहीं है, वो गिर नहीं, वो नहीं गिरेगा. एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे गिरने का तो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम भी गिर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक हम लोग नीचे खड़े रहते हैं, गिर जाना चाहिए, सारा सारा पेट पे आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे एक है ओडेंटम करके एक होता है जो कि उसको कनेक्ट करके रखता है. इसी तरह हर एक ऑर्गन का, हर एक सिस्टम को जो ऊपर पार्ट है उसको कनेक्ट करके रखता है ताकि वो सपोर्ट कर सके, वो नहीं गिरे. ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, ट्राकिया को. हो गया? Yes, sir. तो थोड़ा सा हम लोग आज हम लोग ट्रैक यहाँ तक डिस्कस किए. ठीक है, यहाँ तक थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं. ठीक है, ताकि समझ गया ना यहाँ तक. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा इसका नोट्स लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को घर पे पढ़ने में आसानी हो. ऐसे तो समझ गए ही हो, थोड़ा बहुत शॉर्ट वे में लिखाएंगे इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक दोगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही लिख देते हैं सिस्टम. ठीक है, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बींग परफॉर्म. हर एक वर्ड्स को समझाएंगे इसीलिए आराम से समझना. Human beings perform pulmonary respiration. यहां ध्यान देना, pulmonary का मतलब यहां पे क्या हो गया, तो pulmonary जो word होता है वो ये technical term बोल सकते हैं या biological term बोल सकते हैं for lungs के लिए. ठीक है, ये चीजें. दूसरा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जिसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो जाएगा, जो हम नॉस्ट्रिल बोले थे मतलब नोज में. दूसरा पार्ट है नेजल कैविटी, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट है लैरिंग्स. चौथा है पैरिंग्स,
पांचवा है ट्रैकिया, उसके बाद है ट्रैकिया, उसके बाद है ब्रोंकाई, उसके बाद है ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद लास्ट वाला पार्ट बोलते हैं एल्वियोलाय, या फिर ब्रोंकाई के बाद जो है वो हम लोग लंग्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाँ सर वो रेस्पिरेटरी के बाद क्या है? करेक्ट, TRSAT है। पहले यहाँ समझ लो थोड़ा सा, ब्रोंकाई के बाद जो ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई है दोनों को कंबाइंडली हम लोग लंग्स बोलते हैं, मतलब इनसाइड लंग आई मीन इनसाइड लंग्स ये दोनों प्रेजेंट है। अब इसको नोट कर, ठीक है। और दूसरा हम यहीं पे लिख देते हैं, दूसरा को बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन, दूसरा है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? थॉरेक्स, रिब केज, डायफ्राम एंड देयर मसल्स। देखो इसमें जो है थॉरेक्स हमारा हो गया, ये चेस्ट वाले रीजन को थॉरेक्स बोलते हैं, ठीक है। और रिब केज का मतलब है कि एक तरह का केज बना था जिसके अंदर में लंग्स होता है, और नीचे नीचे जो जैसे मान लो कि सपोज दैट यहाँ समझ लो ये मान लो लंग्स है, ठीक है, ये मान लो लंग्स है, ठीक है। तो ये नीचे में जो इस तरह का स्ट्रक्चर है सी शेप्ड बिगनर, वो बेस वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम, ये डायफ्राम, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लिखेंगे। ये सब के बारे में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देयर मसल्स, उसका मैकेनिज्म ब्रीदिंग में इसीलिए है, और एक्स रिब केज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, मार जाता है थोड़ा, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग, अच्छा पहले इसको नोट करो, नोट करो। हो गया? Yes, sir. हो गया ना कंप्लीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग आज जो है वो हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कैविटी लैरिंग्स फैरिंग्स एंड ट्रेकिया ये चीज हम लोग पढ़े, इसके बाद ब्रोंका ब्रोंकस एल्वियोलाय, उसके बाद देखो थॉरेक्स का मतलब ये जो कैविटी है चेस्ट कैविटी इज अ थॉरेक्स कैविटी, रिब केज जो है मतलब एक तरह का केज है, आगे का चेस्ट हो गया, बीच का बोन को स्टर्नम बोलते हैं, और पीछे जो है जो स्पाइन कॉर्ड से कनेक्ट रहता है पूरे पार्ट को हम लोग रिब केज बोलते हैं, ठीक है। और डायफ्राम जो है ये डायफ्राम दिख रहा है, ये जैसे मान लो अगर
हमको कंसिडर करोगे तो ये लंग्स पार्ट हो गया और नीचे में एक बेस की तरह प्रेजेंट है सी शेप्ड, हल्का सी शेप मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ रहेगा वो मसल्स है, वो डायफ्राम मतलब वो बेस्ड होता है उस पर, ठीक है। तो डायफ्राम का बहुत ज्यादा काम होता है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन लिख रहे हैं, हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन देना है CO2 बाहर भेजना है, तो इस मैकेनिज्म को ब्रीदिंग बोलते हैं और ब्रीदिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल या फिर मेंटेन कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बस वही था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लिखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। External nostril. They are too large. They are too large. Too large. Oblique opening. Oblique opening. Of the nose, ठीक है। They leads internally into nasal chamber. Chamber or nasal cavity. दूसरा point है nasal cavity. Two cavities which lie above the buccal cavity. बताओ buccal cavity का मतलब क्या, buccal cavity का मतलब क्या बताओ, buccal cavity का मतलब था माउथ का जो ये जो कैविटी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है। उसमें टीथ टंग रहता है, उसके जस्ट ऊपर में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। तो इट हैज एपिथेलियम लाइनिंग विच सेक्रेट्स mucus, which secrete mucus neutralize the microbes because mucus contained antibacterial and lyso and lysozyme.
इट इज ऑल्सो कंटेन हेयर, ऑल्सो कंटेन हेयर, which is filter air. Remove dust particle. Filter air, bracket को remove dust particle. ठीक है, ये हो गया nasal cavity. अब है फैरिंग्स के बारे में लिखा ही चुके हैं. कॉमन पार्ट जब लिखा लिख देते हैं, कॉमन सर पार्ट्स ऑफ, हाँ सर, मस्कस न्यूट्रलाइज लाइक द माइक्रोब्स के बाद क्या है? माइक्रोब्स बिकॉज म्यूकस है जी, एम यू सी ओ यूएस, म्यूकस कंटेन एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड लाइसोजाइम. ठीक है, फैरिंग्स क्या बताए थे? कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप, जिसको हम लोग बोले थे ओइसोफेगस एंड विंड पाइप, जिसको हम लोग बोले हैं ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया. ठीक है, ये चीज है. उसके बाद हम लोग लैरिंग्स लिखेंगे. इसको नोट कर लो. सर डस्ट पार्टिकल के पहले क्या है? रिमूव है. अच्छा जा, रिमूव हो गया. नोट कर लिए? यस सर. हाँ ठीक. अब हम लोग का नेक्स्ट है लैरिंग्स. लैरिंग्स को भी लिख लेते हैं. नेक्स्ट है लैरिंग्स. ठीक है, फैरिंग्स ओपन्स इनटू एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर वाइडर पार्ट. वाइडर पार्ट is called larynx.
The opening is called glottis or glottis. A small leaf-like cartilaginous flap called epiglottis flap cover the glottis during swallowing to prevent entry of food and water. Food and water in trachea. In trachea. ठीक है? Larynx contain two vocal cords which vibrate when air passes in between them. ठीक है, the vibrational convert into speech, the vibration is convert into speech. So, speech. Yeah, इसको नोट कर लो. Position of larynx indirectly indicated externally in male called Adam's apple. चलो इसको नोट करो. सर हाँ बोलो बोलो यही है सर. सर एक्सटर्नली के बाद क्या है? इंडिकेटेड एक्सटर्नली इन मेल मतलब ये ऐसा मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है.
मतलब वो गला के बाहर नहीं निकल जाता है, उसी को बोले एडम्स एप्पल। हो गया सर। ठीक है, हो गया। ठीक है दीपिका, हो गया? नो नहीं हुआ है सर, लास्ट। ठीक है ठीक है, लिख लो कोई बात नहीं, लिख लो। तो